कनाडा को अगर भारत के लिए नया पाकिस्तान कहा जाए तो अब गलत नहीं होगा। एक टाइम था जब भारत के ज्यादातर वांटेड टेररिस्ट या फिर गैंगस्टर्स पाकिस्तान में रहते थे। अब ये हालात कनाडा के साथ हो गए हैं। भारत के कई वांटेड आतंकी और गैंगस्टर्स ने कनाडा में शरण ले रखी है। ये उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका है क्योंकि कनाडा उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी दे रहा है। हम आपको खालिस्तानी आतंकियों से लेकर सिद्धू की हत्या के मास्टरमाइंड तक सभी वांटेड आतंकी और गैंगस्टर्स की लिस्ट बताते हैं जिन्हें कनाडा ने शरण दे रखी है। पहला है गोल्डी बराड़। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी कनाडा में बैठे भारत में क्राइम करवाता है। ये लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप को संभालता है। गोल्डी पर मोहाली के खुफिया मुख्यालय में अटैक, कनाडा में रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या जैसे आरोप हैं। दूसरा है लखबीर सिंह उर्फ लांडा। कनाडा में जाकर बसे लखबीर सिंह ने 9 मई को चंडीगढ़ में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर ग्रेनेड से अटैक करवाया था। इसके गैंग में बब्बर खालसा के आतंकी भी शामिल है। हत्या, उगाही, हथियारों की तस्करी जैसे कई मामलों में आरोपी लखबीर को कनाडा ने शरण दे रखी है। तीसरा है अर्श डल्ला। डल्ला पंजाब में RDX, IED, AK-47 और ड्रग्स की पाकिस्तान के रास्ते सप्लाई करवाता है। ये पूरा बिजनेस डल्ला कनाडा में बैठकर चलाता है। मई 2022 में ही रेड कॉर्नर नोटिस इसे लेकर जारी किया था। चौथा है बाबा डल्ला। इसका असली नाम गुरविंदर सिंह है। टारगेट किलिंग का आरोपी बाबा डल्ला अब कनाडा की नागरिकता लेकर वहां ऐश कर रहा है। भारत में फोन कर रंगदारी जैसे कई काम करता है। पांचवा है सनोवर ढिल्लो। कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल की हत्या में इसका हाथ था। हत्याकांड के बाद कनाडा भाग गया। फोन से पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में आपराधिक गतिविधियां ऑपरेट कर रहा है। भारत सरकार ने इन गैंगस्टर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। भारत सरकार चाहती है कि कनाडियाई सरकार इन लोगों के वहां होने की पुष्टि कर दे ताकि सरकार इन्हें वापस भारत ला सके, लेकिन कनाडा की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने कई बार इनके वहां होने के सबूत भी दिए हैं, लेकिन कनाडा ने अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हैं। कनाडा में कई हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। इतना ही नहीं, कनाडा में भारतीय दूतावास पर भी हमले हुए हैं। जब कनाडा के पीएम ट्रूडो G20 में शामिल होने के लिए भारत आए थे, तब सरे में पन्नू ने जनमत संग्रह कराया था। ट्रूडो के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी पीएम मोदी ने कनाडा में बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों का मुद्दा उठाया था और कार्रवाई की मांग की थी।